मैं कहना एडो वड्डी मूर्ख सरकार होर हो कोई नहीं सकती जेकर अज भी लत्तां डाउण इस गल ते भी किसान तो बेचारा मंगदा ही कुछ नहीं जेकर इहनूं ध्यान नाल वाचिया जाए तां अगर तुहाडे खर्चियां दा लेखा जोखा किया जाए तो 383 रुपये प्रति क्विंटल एक क्विंटल गन्ना पैदा करने दे खर्चा आता है तो जो 383 रुपये खर्चा आता है तो मंग बेचारा की रहा मंग रहा 400 और नाल ही गल है कि सरकार अज जो असी आ रहे थे उदों भी मेरी प्रेस वाले नाल गल हुई इत्थे आके भी गल चली वो कहिंदे जी कैप्टन साहब ने अनाउंस करता 15 रुपए तो उन्होंने वधाता जी हुण धरना लाउण दा की फायदा है हुण कादे वास्ते चले हो। तो प्यारे दोस्तों मैं उत्थे भी प्रेस च भी ये गल कही है और आज स्टेज के माध्यम तो भी मैं ये गल कहना है कि जो किसान का लागत खर्चा 383 रुपये प्रति क्विंटल है और उन हालातों के सवा 300 रुपया दे के कोई ये कह दे कि लो जी हुण अंदोलन बंद कर दौ तो मैनू लगता है किसी भी ढंग पॉसीबल हो ही नहीं सकता। किसान की खुदकशी का प्यारे दोस्तों मेन कारण ये है इनू हमेशा यदि फसल का भा लागत नालों घट दिता गया। मैं जी 383 की गल की है तीन सौ तिरासी की जी मैं गल की है तुसी बहुत सारे वीर ने शायद हम तो चर्चा बहुत होन लग पी डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले की। डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला पता की है वो कहते टोटल खर्चे सारे जोड़ो किसान दे एदे उपर 50% मुनाफा। हुण इस गल नूं नोट करियो जिहड़ी 50% वाली गल है 50% सिर्फ उन्हां फसलां वास्ते है जिहड़ियां 6 महीनों दे विच पूरियां होणियां है। गन्ने की फसल है जिहड़ी 6 महीने च नहीं पूरी होंदी इह 1 साल की फसल है इस करके गन्ने की कीमत दे विच वाधा होना है जे इहनूं मुनाफा मिलना है लागत प्लस 100% मिलना है। ये बनता है तो जेकर लागत के मुताबिक रेट बनाइए डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार तो मेरे दोस्तों 766 रुपये प्रति क्विंटल बनता 766 रुपये। अगर किसान को 766 रुपये प्रति क्विंटल मिले तो बिल्कुल कोई किसान मंग नहीं करेगा सरकार तो कि साडा कर्जा माफ करो। क्यों मंगेंगे असीं साडा कर्जा माफ करो की गल अगर सरकार सानू पा दिंदी है तो। ये तो भी हट के एक गल करनी है दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला कदों आया है 2004 तो लैके 2006 के विच रिपोर्ट पेश हुई सरकार के टेबल पर आ गई और उन्हें कहता कि लागत के उपर 50% मुनाफा दो पर अगर प्राइस इंडैक्स नूं जोड़िए थोड़ा प्राइस इंडैक्स जिहड़ा 1960 के लेखे जोखियां दा 1970-71 के लेखिया जोखियां दा तो जे उहदे ते हिसाब ला के वेखिए अज तुहाडी कणक का रेट 7600 रुपया प्रति क्विंटल बनता दोस्तों 7600 रुपया प्रति क्विंटल नहीं दिता सरकार ने। असी सबर कर लिया कि स्वामीनाथन का फार्मूला ही सही ये दे दियो और खुद बनवाया हुआ फार्मूला अज तक किसानों नूं नहीं दिता और वो मुताबिक कणक का रेट कितना बनता मेरे दोस्तों 4500 रुपया प्रति क्विंटल कणक का रेट बनता। अज मेरे नाल जिहड़ा मर्जी जी करता इन्हां दा अफसर टेबल ते बैठ जाए जिहड़ा जी करता शास्त्री साहब नाल टेबल ते बैठ जाए सिद्ध करके विखावांगे कि एक क्विंटल कणक नूं पैदा करन ते किसान का 3000 रुपया खर्चा आता है तो जो 3000 खर्चा आता है उपर फिर 50% मुनाफा मिलता है तो मेरे दोस्तों 4500 रुपया रेट बनता है।
अगर 4500 रुपया रेट मिल जाए साडा किसान नूं, मैं दावे नाल गल करदा तिन फसलां बेचदा किसान कर्जे तो मुक्ति हासिल कर सकता है। इस गल की लड़ाई है दोस्तों आने वाले समय की। गल इत्थे बलदेव जीरे ने गल की कि बहुत सारे वीर थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, अंदोलन बड़ा लंबा चलिया गया जी दिल्ली के अंदर की बनेगा। मेरे दोस्तों बहुत कुछ बनूंगा, बहुत कुछ लेके निकलेंगे। असी कदे सोचते सी कि की कदे देश का किसान इकट्ठा होएगा, की कदे देश के किसान नूं पता लगेगा कि स्वामीनाथन का फार्मूला की चीज है, की कदे देश के किसान नूं पता लगेगा कि गैप की चीज है, किवें देश के लोगों नूं किवें पूरे भारत नूं गुलाम करन दीआं नीतियां घड़ियां जा रही हैं, की कदे साडे लोगों नूं पता लगेगा। अज समा आ गया दोस्तों, पूरे देश की जनता एकजुट हो गई है और इस एकता दे विच्चों डॉक्टर स्वामीनाथन दे फार्मूले की अगली लड़ाई शुरू होगी। इस एकता दे विच्चों गैप के खिलाफ लड़ाई शुरू होगी। गैप के खिलाफ गैप जिहड़े वीरां ने पढ़िया नहीं जी ने सुनिया नहीं लगता पता नहीं की है। दो गल्लां दे विच गैप की समझ आ जू सौखी जी। आ तुहाडा गन्ने वाले वीर ही नोट कर लियो कि गैप चीज की है, अंदाजा ला लियो। मेरे दोस्तों गैप के अंदर एक गल लिखी गई है कि जिन्ना भी खाद्या पदार्थ भारत के लोग खाते या वरतते हैं 2004 च उस सारे खाद्या पदार्थ का 8.5% बाहरले कंट्रिया तो मंगाना पवेगा। ये लिखिया गैर च गल बड़ी छोटी लगती है और नाल की लिखिया कि हर साल 0.5% वाधा होंदा जाएगा। अज 2021 आ गए असी, वाधा होंदा होंदा अज 17% ते चले गए। जिन्ना तुहानू खंड चाहीदी है गन्ने वालियो, ये तुहाडे नाल जोड़ के गल सोच लियो, जिन्नी तुहानू खंड चाहीदी है भारत नूं तुहाडा गन्ना गलदा गले सड़दा सड़े बर्बाद होंदा होवे कोई परवाह नहीं सरकार नूं, उहदे तों 17% खंड बाहरले मुल्कां तों मंगाउणी ही पवेगी। इही कारण है कि साडे किसानां दा गन्ना खरीदण तों मिलना भज्जिया साडे किसान नूं पा नहीं दित्ता और दुश्मन मन्ना जा रहा जिहड़े मुल्क नूं, जिस पाकिस्तान नूं दुश्मन मन्नदा भारत। भारत दे विच्चों मेरे दोस्तों पिछले समय दे विच उही खंड मंगाई गई भारत दे अंदर, ये वो गैट है, ये है गैट। समझ लग रही है मेरे दोस्तों, आने वाले समय दे विच इहने वधदे जाणा है, होर वधदे जाणा है, होर गिनती वधनी है, तो हौली हौली ये जो 40-50-60% पर जाना है तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अज हजे 17% पर है तुहाडा गन्ना रुलदा है कि नहीं रुलदा, अज हजे 17% पर है तुहाडा झोना रुलदा है कि नहीं रुलदा, अज हजे 17% पर है तुहाडी कणक रुलदी है, तुहाडी जीरी रुलदी है, तुहाडी बासमती रुलदी है, तुहाडियां होर सारियां तमाम फसलां मेरे दोस्तों रुलदियां हजे 17% पर पहुंचे हैं। सो मेरे दोस्तों अपनी लड़ाई उहदे ते केंद्रित है, आने वाले समय के विच तुहाडी एकता उस लड़ाई नूं अगे तोरेगी। अज असी चंद कानूनां ते लड़ रहे हैं, MSP की गरंटी की मंग कर रहे हैं, अज असी कह रहे हैं कि पोल्यूशन के जिहड़े किसानां दे उत्ते जुर्माने थोपण की गल की है, उदों वापस हटे सरकार, बिजली एक्ट 2020 तो पिछे हटे सरकार, असी यह मंग रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अंदोलन एक अजीब किस्म का अंदोलन है, मैं कहना मैं बहुत बारी प्रेस से भी यह गल कही है, देखो किड्डा अजीब अंदोलन है, किड्डा शांतिपूर्वक तो एडा लंबा और पूरे वर्ल्ड के विच चल गया अंदोलन, तो असी लैन की लगे हैं कुछ भी नहीं। इतिहासकार जिस वेले इतिहास लिखेगा वह लिखेगा कि एडे वड्डे अंदोलन के विचों किसानों मिलिया की, नवा कुछ नहीं मिलिया दोस्तों, सिर्फ
साड़ी जमीन साढ़े को रहेगी, लोगों का रोटी खाने का अधिकार लोगों को रहेगा, इस तो बाद लै कुछ नहीं चला। अगर आप लड़ाई लड़नी है तो आने वाले समय की लड़ाई की तैयारी है, उसके वास्ते तुहाडा एकता हो जा मेरे दोस्तों, बहुत कुछ लै गया। जिहड़ी बलदेव जी का गल कह के गया कि साडा नौजवान जुड़ गया, बहुत अच्छी गल है। एक गल होर बहुत वड्डी प्राप्ति होई है, बहुत वड्डी प्राप्ति होई है तुहानूं, तुहाडे गाणे च की सी सोचो का भला, कदे घर दे विच किसे ट्रैक्टर दे उत्ते गाने ला के लंघदे सीगे ते सिर झुक जांदा सी साडा, अज तुहाडे गाणिआं दे विच किसानी दे गाणे ने, किसानी दे दर्द दी गल हो रही है। वह गाने बदल गए, वह सोच बदल गई, वह व्यवस्था बदल गई मेरे दोस्तों, वह किड्डी वड्डी प्राप्ति है। सभ्याचार नूं एक तरह का गलत रस्ते से तुरे जाते सभ्याचार नूं मोड़ा देता थोड़े इस अंदोलन ने, थोड़े अंदोलन ने मोर लाती। जिहड़े कहिंदे सीगे कि साडा नौजवान नशेड़ी हो गया, उस अंदोलन ने मोर लाती कि नौजवान नशेड़ी नहीं, नौजवान लड़ना जानता है और लड़के जितेगा और हर हाल च जितांगे। आ जिहड़ी तुसी अज लड़ाई लड़ रहे हो, असी साडा एरिया मालवा पैंदा है, साडी जथेबंदी का दबाव भी मालवे ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों प्रेस बंदियों आई है गल कि दो नारे लाने जोर ना लायो, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों इत्थे अज असी भावें थोड़ी गिनती दे विच हाजरी लवाई है, सारा मेरा ख्याल है 2500 किसान लैके हाजिर होए हैं, बिल्कुल इस अंदोलन दे विच ये कल्यां दा तुहाडा नहीं, ये पूरे पंजाब दे देश दे किसानां दी एकता दा सबूत है। तुहाडे नाल खड़े हैं, मोढे नाल मोढा ला के बिल्कुल नहीं घबराहट दिमाग के उत्ते लैके आनी, आने वाले दिन इस थान के उत्ते हजारों की गिनती के फिर जिते साढ़े जो जथे आएंगे तुहाडे कोले, और जेकर ये प्रोग्राम बनता जथेबंदियों का पंजाब बंद करन दा, तो असी कल्ले मालवे के सिर्फ कल्ली जथेबंदी वालों असी बंद करांगे। आ दुआबा से माझा तुसी पकड़े हो गए सामने सो इस करके बिल्कुल होर जथेबंदियां बहुत ने उत्थे, मैं गल तां कीती है कि तुसी तकड़े हो के आ इलाका सांभियो, उधरले पासे कोई चिंता करने की लोड़ नहीं, चिड़ी नहीं फड़कन देंगे, सारा जाम ला देंगे। सो मेरे दोस्तों मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया, मैं इको ही गल करूँगा कि फिर दोबारा कैप्टन अमरिंदर सिंह की मूर्खता पर कि जो बनता तो इन्हों का 766 है, तो जे मंग रहे बेचारे 400 तो मंग ही कुछ नहीं रहे, तो जे तुसी अज भी इन्हों देन तो हजे टरकाउन की गल करोगे फिर मेरा ख्याल है पार पैनी नहीं। जो इन्हों की मंग है अगर वो तो टस तो मत सरकार कर दी है, सरकार साड़ी गल मनने लिए तैयार नहीं। असी दोस्तों भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वालों बिल्कुल तुहाडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हाँ, पता ही नहीं सोचना कि असी मालवे वाले हैं, बिल्कुल नहीं सोचना, मालवा माझा दुआबा कुछ नहीं रहा, अज असी पंजाब एक होकर लड़ रहे हैं मेरे दोस्तों। इस एकता ने तुहाडी इस एकता दे विचों दिल्ली की एकता मजबूत होनी है, दिल्ली की एकता मजबूत होनी है थोड़ी इतों की एकता चो, इस करके तुहाडा गन्ने का मुद्दा तुहाडा नहीं साडा भी है, तुसी साडे भाई हो, असी तुहाडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।